नमस्कार, हम हैराना रउआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स की टीम लगातार जौन बा दौरा कर रहल बा अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधानसभा में। और आज हमार टीम दौरा कर रहल बा रघुनाथपुर विधानसभा में। और रघुनाथपुर विधानसभा में आज पहुँचल बनी रघुनाथपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, जौन की पिछला बार भी चुनाव लड़ चुके रहनी, श्री मनोज कुमार सिंह जी, जौन की पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भी रह चुकल बानी और यहाँ के कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रह चुकल बानी, हमारा साथे मौजूद बानी। बहुत बहुत स्वागत बा आज के कार्यक्रम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के आपके। मनोज भैया हमनी के साथे बानी, और मनोज भैया पहले चुनाव लड़ चुकल बानी, लोकसभा भी लड़ चुकल बानी, और विधानसभा में पिछला चुनाव में काफ़ी अच्छा टक्कर दिले रहनी, दो नंबर पर आई रहनी, जनता के सहयोग और साथ उबेरा हरिशंकर यादव के विजयी बने रहे, और ए बार फिर से मैदान में आ रहल बनी। भैया अगर ए बार रुआ आवत आनी तो कौना एजेंडा के साथे रघुनाथपुर विधानसभा में रुआ आ रहल बनी? देखिए, हमारा राष्ट्रीय स्तर के एजेंडा बा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लेकर के अंतिम व्यक्ति का उदय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो अति गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो प्रॉपर्टी में है, वैसे लोगों का उत्थान करना और वैसे समाज का को आगे बढ़ाना जो समाज अभी तक वंचित था। अभी रघुनाथपुर विधानसभा में आ रहल बनी एगो मुद्दा बा जौन की बहुत बड़ा मुद्दा बा, रउआ खुद रघुनाथपुर हमेशा जानी देखत हो के हम, रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल बहुत लच्चर स्थिति बाटे, ओकर कब ओमे कोनो बड़ हादसा हो जाए ये केहू नहीं खे जानत, इकरा खातिर लेके रुआ का सोच रखत नहीं? देखिए रुआ, भोजपुरी में पूछा था तब हमारा उचित रही कि हम भोजपुरी में जवाब दी। देखिए, रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल और सिसवन के रेफरल अस्पताल एक ही संगे बना रहे, बनला बहुत दिन हो गई। बीच के कार्यकाल में लालू यादव के सरकार रहे, नीतीश कुमार जी के भी सरकार रहल बा, लेकिन उचित मेंटेनेंस नहीं थे ओकर भाई, जौना के परिणाम बा कि वो आज क्षतिग्रस्त स्थिति में बा और कभी भी दुर्घटना हो सकेला, ये बात के हम स्वीकार करता नहीं। हमरा ये बुझाता आज तक के देखला के बाद, जब से हुसैनगंज हमनी के रघुनाथपुर में हमनी के गांव जवार आयल बा, हमरा ये बुझाता कि सही नेतृत्व रघुनाथपुर विधानसभा के नहीं थे मिलल, हमरा तक कुछ विकास लौटते नहीं थे। अभी तक के विकास में आज़ादी के 70 साल बाद में रघुनाथपुर विधानसभा, हुसैनगंज, हसनपुरा और रघुनाथपुर के मिला दल जाए तो विकास नाम के कोनो चीज़ें नहीं के। एक रेफरल अस्पताल बा, ओकरा अलावे ना कॉलेज बा, ना कोनो प्रकार के धार्मिक बड़ा स्थल बा, ना कोनो ऐतिहासिक स्थल बा रघुनाथपुर में, और ना ही कोनो विकास के इंजीनियरिंग कॉलेज बा, ना मेडिकल कॉलेज बा, ना PG कॉलेज बा, शिक्षण संस्था तो बिल्कुल नहीं है, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कोनो इंडस्ट्री बा, कोनो उद्योग कुछ नहीं है, ना कुटीर उद्योग बा, कुछ नहीं है रघुनाथपुर विधानसभा में। हम जन सूक्ष्म नज़र से देखा तनी, हमरा ये बुझाता कि रघुनाथपुर बहुत ही उपेक्षित रहल बा, जात पात के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर विकास के किरण वहाँ तक पहुँचले नहीं। अभी एगो मात्र नीतीश कुमार के सरकार में एगो विद्युत सब स्टेशन जन लौकता हमनी के, एगो उपलब्धि बा सरकार के, बाकी अभी तक विकास के जे प्रतिनिधि रहल बा वो क्षेत्र के अधूरा छोड़ दिले बा, विकास नहीं के भाई। बिल्कुल, विकास के चर्चा हो रहल बा और रघुनाथपुर के बात कही जाओ तो पिछले एक कार्यकाल में बड़ा काम कोनो कर दिखता तो ये दिखता है। शिक्षा व्यवस्था भैया बहुत लचर बाटे, मतलब शिक्षा व्यवस्था ये बा कि स्कूल में अपना लइकन के भेजे के मन नहीं करत। अभी के अगर बात कही जाओ तो अभी हॉट सीट बनल बा रघुनाथपुर, बड़ा चर्चा में बा, एगो चर्चा डबल जुबान में हो रहल बा कि रघुनाथपुर जो सीट बा ये NDA के खाता में बा, तो NDA में ये JDU के कोटा में जाई। अगर ऐसा सच होता, जोना में अभी दूर दूर तक कोनो सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर ये सच होता फिर रउआ ये चुनाव के कौना नजरिया से देखे? देखिए, हम NDA पर कुछ नहीं बोल सकत। NDA के बैठक हुई, शीर्ष नेतृत्व तो माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी जौन JDU के अध्यक्ष बानी, अमित शाह जी के स्तर पर ही जौन फैसला हुई, या प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर
संजय जायसवाल जी के स्तर पर सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, ननकिशोर यादव जी जब बैठे लो, भूपेंद्र यादव जी बिहार के प्रभारी बैठे लो, ओकरा बाद जौन फैसला हुई उस सभे मानी। अगर जदयू के कोटा में भी जाता तो हम एनडीए के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनी, हम उतना ही निष्ठा से जेकरा मिली ओकरा संग हम रहें, एमे हमारा कोनो लेकिन किंतु परंतु नहीं है। काहे कि ऐसन चर्चा बार बार अगर क्षेत्र में घूमी तो निकल के आवता कि सीट जदयू के खाता में जाई, अगर जदयू के खाता में जाई तो मनोज सिंह इतना दिन से मेहनत करता रहे, वो मेहनत के का हुई, मनोज सिंह के बागी हो जाए चाहिए तरह के राउत समर्थक ना। अब ऐसा कोनो हम कुछ करें नहीं खिजा, हम अपने समर्थक से भी आग्रह करें कि हम पार्टी के हित में काम करते नहीं, राष्ट्र हित में काम करते हैं सब। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार बा, बहुत बड़ा पार्टी बा, पार्टी जौन उचित समझी हमरा के करी, हमरा लायक जौन उचित समझी वो स्थान दी, ऐसे हमरा ना कोनो बगावत करें आ ना केहू के विरोध करें। एनडीए में अगर जदयू के चल जाए, लोजपा के चल जाए, तो हम वो प्रत्याशी के संगे जितना 5 साल हमारे मेहनत बा रघुनाथपुर में सारा हम प्रयास करें कि हमारे लोग, हमारे फॉलोअर, हमारे समर्थक, हमारे लोग एनडीए के संगे रहो और जेकरा टिकट मिले ओकरा के जिताओ। ये बिल्कुल एगो आदर्शवादी नेता के यह हमेशा कोशिश रहे चाहिए कि पार्टी के जो निर्णय होके उ पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा होके। भैया अभी टिकट के कुछ क्लियर नहीं थे, रहुआ प्रयास में बानी और उम्मीद ज्यादा बा कि रहुआ टिकट मिली, रहुआ टिकट मिली उमें अभी समय बा टिकट डिसाइड हुई। अभी जोन हालात बाटे, ये पैंडेमिक के हालात बाटे और दोबारा लॉकडाउन मजबूरन सरकार के लगावे के पड़ल बा, काहे कि स्थिति विकराल होकर जाता और रोज जे तरह से पॉजिटिव के संख्या बढ़त है सीवान में, इस अवस्था के देखते हुए का चुनाव करावल इस समय में उचित हुई? देखिए अगर ये निर्धारित रहित कि अक्टूबर में ना नवंबर में खत्म हो जाए कोरोना संक्रमण, नवंबर ना दिसंबर में कोरोना के संक्रमण खत्म हो जाए, जनवरी में खत्म हो जाए, अगर ये निर्धारित रहित तो हो सकता है कि बढ़ा देवे के चाहिए। लेकिन अभी भविष्यवाणी करे वाला लोग के ही आकलन बा कि अभी कोरोना काल में ही हमने के जिए के बा, जब तक वैक्सीन नहीं किया हो, वैक्सीन भी आ जाए तबो कम से कम 1 साल लागी आम आदमी के वैक्सीन उपलब्ध करावे में। तो कहे का मतलब बा कि हम तो ही मानता नहीं व्यक्तिगत रूप से केहू में नाराज ना होके तो सरकार अपन काम कैलस, लॉकडाउन कैलस, सोशल डिस्टेंसिंग के आग्रह कैलस, प्रचार प्रचार प्रसार कैलस, लेकिन जब लॉकडाउन टूटल है तो लोग के बुझाइल है कि अब आज़ादी मिल गई, कोरोना खत्म हो गया। लॉकडाउन आ सोशल डिस्टेंसिंग अलग चीज़ बा, कोरोना बीमारी अलग चीज़ बा, ये महामारी बा पूरे वर्ल्ड में बा, ऐसे एकरा के इनकार नहीं कर जा सकल। तो जब लॉकडाउन टूटल तो लोग के बढ़ा के परहेज करके बाजार में मार्केट में निकले के चाहिए, लेकिन तेजा तो भैल के मछली मार्केट में, सब्जी मार्केट में, मीट मार्केट में, शादी ब्याह में लोग अटेंड कर लगल हो, जौना के चलते सामूहिक संक्रमण अभी भैल नहीं है, लेकिन वही रास्ता पर जाता। तो जब सामूहिक संक्रमण में आ जाए, सामाजिक समीकरण में संक्रमण में आ जाए, तो बहुत बड़ा तो हमने के मतलब कि उठाव पड़ी, बहुत भारी नुकसान हो जाए। बिल्कुल सरकार, बिहार के सरकार सचेत बिया ऐसे फिर 15 दिन का लॉकडाउन कर लग, अगर जनता हमने के अपना में सुधार ना लिया हो जाए तो संभव बा कि फिर 15 दिन का दिला के ऐसे, अगर एक काल में जो ना स्पीड से बढ़ता, अगर ये स्पीड से बढ़ल तो चुनाव ना करावे के चाहिए। लेकिन एक निर्धारित नहीं के जे कबले चुनाव ना करावे के चाहिए, जबकि संवैधानिक मजबूरी भाई बात के हमने के सब क्योंकि समझे के पड़े। बिल्कुल संविधान में ही बा कि भाई टर्म पूरा होके से पहले फिर नया सरकार के गठन हो जाएगी चाहिए, लेकिन अगर 6 महीना टरला से कोरोना खत्म हो जाता, उकाल खत्म हो जाता, तो हमने 6 महीने टारे में भी कोई दिक्कत नहीं किया। ये काम चुनाव आयोग के है ना कि कोनो पार्टी के है। पार्टी अपन तैयारी करता, वर्चुअल रैली के माध्यम से जनसंपर्क करता, मोबाइल नेट के माध्यम से। देखिए ये कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज अब आवे जाता जौन कि हमने के कल्पना ना कैले रही सन। पहले हमने के टेलीफोन से बात करी सन, लैंडलाइन से, बाद में मोबाइल आए तो जहाँ रहो वहाँ बात होके लागल, बाद में अब चेहरा देख के बात होके लागल, अब मीटिंग होके लागल मोबाइल पर। तो नया एकरा के अवसर में नरेंद्र मोदी जी का कहते नहीं
कि एक अवसर में बदले के बा, महामारी के अवसर में बदल के नया तरीका से आवेल बा। दूसरा देश में होला, दूसरा देश में तो दोनों पक्ष और विपक्ष के एक ही जगह स्टेज लागेला, दोनों आदमी अपन बात कहेला, लोग सुनेला, केहू मोबाइल पर सुनेला, केहू सदेह सुनेला, वही हिसाब से वोटिंग करेला। हमनियों के देश प्रगति करता, दुनिया के पैमाना पर हमनी के अभी बानी सन, हमनी के ज़्यादातर लोग जौन बा, अगर बूढ़ा लोग के छोड़ दहल जाओ तो ज़्यादा नई पीढ़ी, नया पीढ़ी तो ऑलरेडी मोबाइल पर आ गई बा। पहले फैक्स खातिर लाइन लगावल जात रहे, मेल करे खातिर दौड़े के पड़त रहे, ये ऑफिस वो ऑफिस। पहले फोन से बतियावे खातिर, देश विदेश से बतियावे खातिर पीसीओ पर लाइन लगावे पड़त रहे। आज क्रांति आयल बा, हमनी घरे बैठल चेहरा देख के एक दूसरा से बात करते हैं। तो एक अवसर में देखे के चाहिए। रहल बात नेता प्रतिपक्ष के, तो वहाँ के बहुत हल्ला करतनी, हल्ला ऐसे करतनी कि वहाँ के भाषण देवे के चाहतनी, समाज में विद्रोह फैलावे के चाहतनी। अरे जे लोग राउत बा के वर्चुअल मीटिंग करी, लोग के माध्यम से अपन संदेश दी, दुनिया में हमनी के चित्र के माल्यार्पण करनी, आदर्श मान के। मान ली अम्बेडकर जी के मूर्ति बा, दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद के मुखर्जी बा, जे भी महान लोग बा, ओकरा चित्र के माला पहना, लेकिन हमनी के चित्र के ना चरित्र के माला पहना, चरित्र के ही पूजा करनी सन। जेकर जौन चरित्र बा, वही के समाज तो देखते बा कि राउर का चरित्र बा, राउर चरित्र चाल चेहरा का बा, ये लोग जानता। ऐसे बहुत हवाला की जरूरत नहीं है प्रतिपक्ष के। चुनाव आयोग अगर ना कराए तो भी अच्छा बा, चुनाव आयोग कराए तो भी अच्छा बा। एनडीए में कोनो बेचैनी नहीं है, ना जदयू लोजपा भाजपा में कोनो बेचैनी नहीं है। हमने के अपन तैयारी करते हैं सर, वही तैयारी के आधार पर हमने के आगे जनता के बीच में जाए सर। बिल्कुल। अंत में बस एगो सवाल, काहे कि बातचीत बहुत लंबा नहीं कर जा सकत, जब चुनाव नजदीक आई तो हमने के बातचीत लंबा कर ली। अंत में एगो सवाल, अभी रघुनाथपुर विधानसभा की जनता से रुआ का कहे के चाहब? हम आग्रह करम रघुनाथपुर के जनता के आपके माध्यम से कि हम 2015 में चुनाव लूज कर गनी 10,000 वोट से, ओकरा बावजूद भी रौरा की महसूस ना होके देनी कि हम बाजार में समाज में नहीं किए। हर स्थिति परिस्थिति में, दुख में सुख में, अच्छा में बुरा में, हम रघुनाथपुर के जनता के संग रहनी। रघुनाथपुर के मतलब है कि हुसैनगंज भी और हसनपुरा के 5 गो पंचायत भी, मतलब पूरा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के दुख सुख में हम रहनी, अपना गैर जे भी भइल हम रहनी। ऐसे हमारा आग्रह बा कि हम 5 साल रौरा खेती कैले बनी, बीज लगौले बनी, फसल बोले बनी, हमारा फसल काटे के चाही आ ओकर अनाज हमारा लगे आवे के चाही। ऐसे आग्रह बा, निवेदन बा कि हमनी के गांव देहात के भी लोग हैं सन, हमनी के गांव देहात में पलल बढ़ल बनी सन, हमारा उम्मीद भी बा कि हमारा के रघुनाथपुर के जनता ए बड़ा आशीर्वाद आगे दी, काहे कि हम मेहनत कैले बनी। अब हमारा टिकटे ना मिली तो हमारा भाग्य के बात बा, एक कुछ नहीं के कह जा सकत। जेकरा भी टिकट मिली हम ओकरा संगे रहें, ये बात के हम आपके टीवी माध्यम से वादा करतनी कि एमें कहीं तब्दीली कोनो ना होई। जेकरा टिकट मिली हम ओकरा संगे रहें, हमार मांग बा, हम मांगे भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे उचित समझी दी, अगर हमारे नेता लोग के कोनो परेशानी हुई गठबंधन बचावे खातिर आ रघुनाथपुर ना मिली तो हम का करें, कोनो दिक्कत नहीं। हम एनडीए के संग बानी, एनडीए के संग रहें, एनडीए खातिर काम करें। हम रघुनाथपुर के जनता से, सिवान के सम्मानित जनता से आग्रह करें कि कोरोना काल बा, पूरा विश्व में एक विश्व प्रभावित कैले बा, एकरा के एक काल में जिंदा रहल बहुत जरूरी बा। ऐसे रही जीव तक खाई घी वाली बात बा, एमें हमनी के जिंदा रहे खातिर हमनी के सामाजिक दूरी बना के, मुंह पर मास्क लगा के, और जितना प्रिकॉशन हो सके, जितना सावधानी बरतल जा सके बरत के एकरा के काटे के बा। अगर एकर वैक्सीन बहुत जल्दी आवेला बा, भारत के सरकार रिसर्च भी कर लेल बा, जब तक वैक्सीन आई ओकर जरूरत ना पड़े वैक्सीन के, ऐसा इंतजाम करे के बा आ परहेज से ही हमनी के एक बीमारी के दूर भगा सके निशन, एकर एकरा पर अध्ययन हो चुकल बा। ऐसे आग्रह नहीं हो रहा करें हम रोज सबसे कि रो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें, मुँह पर मास्क लगाएं और हाथ धोई बार बार, जितना बार धो सकी, कोनो भी काम छुए के पहले करे के पहले, ये हमार निहोरा बरोलो से, ताकि एमें रही जीव तो खाई घी, पहले जान बा तब जहान बा, एकरा के मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करी लो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा लागल बातचीत करके, और बातचीत काफ़ी सार्थक रहल, काफ़ी पॉजिटिव रहल।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके समय देवे खाती और साथ ही भविष्य खाती मैच बॉक्स की तरफ से शुभकामना बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। तो श्रोता बंधु दर्शक बंधु रउआ देखनी है बातचीत, उम्मीद करतनी कि बातचीत सार्थक लागल हुई और रउआ से को रिक्वेस्ट बा एगो निहोरा बा कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुँचे। वीडियो देखनी कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली। धन्यवाद।